धनतेरस और दीपावली की आहट तेज होते ही सराफा बाजार में सोने और चांदी के सिक्कों की खनक भी सुनाई देने लगी है। मूर्तियों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। दरअसल धनतेरस और दीपावली के त्यौहार को देखते हुए अभी सोने और चांदी के दामों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यही कारण है कि इंदौर के सराफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही आजकल काफी बढ़ गई है। सराफा व्यापारी सरस शर्मा ने बताया कि धनतेरस और दीपावली के त्यौहार को देखते हुए सोने चांदी के सिक्के और मूर्तियों की डिमांड सराफा बाजार में काफी बढ़ गई है। बात अगर चांदी के सिक्कों की जाए तो चांदी के सिक्कों की शुरुआत 300 रुपए से ही हो जाती है। वहीं फिर वजन के हिसाब से ग्राहकों के बजट के आधार पर अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। वहीं बात अगर चांदी की मूर्तियों की जाए तो भगवान लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियों की शुरुआत 700 रुपए से ही हो जाती है, जो वजन और ग्राहकों के बजट के आधार पर क्रमशः 15,000 और 20,000 रुपए तक बढ़ती चली जाती है। वहीं बात अगर सोने के सिक्कों की जाए तो सोने के सिक्कों की शुरुआत लगभग 650 रुपए से हो जाती है। वहीं बात अगर चांदी की मूर्तियों की शुरुआत की करें तो चांदी की मूर्तियों की शुरुआत 2,000 रुपए से होती है। अभी वर्तमान में सोने का रेट 62,500 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का रेट 73,500 रुपए चल रहा है। सराफा व्यापारियों की माने तो धनतेरस और दीपावली के त्यौहार संभावना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी होगी। धनतेरस और दीपावली का त्यौहार नजदीक आ गया है और कहीं ना कहीं अब जब ग्राहक हैं वो सराफा बाजार की ओर रुझान करने लगे हैं, सोने चांदी के सिक्के और मूर्तियों की भी बिक्री तेज हुई होगी, क्या कुछ है बताइए उसके समय। अभी धनतेरस के हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब ग्राहक का भी रुझान अच्छा है। अपने त्यौहार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से धनतेरस और पुष्य नक्षत्र में ज़्यादा खरीदी मानी जाती है जी। ग्राहक उन्होंने चाहते हैं कि पहले ही खरीदी कर ले, जिसके कारण उनको जो रेट बढ़े हैं अभी जी। अभी बीच में के समय में युद्ध के हिसाब से रेट बढ़े हैं जी। तो इसके पहले ही खरीदी करना चाह रहे हैं ग्राहक के धनतेरस, और उसके पहले भीड़ भाड़ से बचने के हिसाब से पहले ही खरीदी हो जाए। और धनतेरस पे तो मेन हिंदू रिवाज है ही, धनतेरस और पुष्य नक्षत्र पर शुभ मानते हैं, तो उस हिसाब से खरीदी बहुत अच्छी होने की उम्मीद भी है जी। और होगी भी जी। तो अभी से ग्राहकों का जो रिस्पांस है वो काफी अच्छा हो गया है सराफा बाजार में। हाँ, पहले से मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस है, नवरात्रे से ग्राहकी अच्छी है और आगे भी हमें उम्मीद है कि दिवाली के आसपास धनतेरस पे बहुत अच्छी ग्राहकी रहेगी। बात करेंगे सोने चांदी के सिक्के और मूर्तियों की, तो क्या अगर कोई सोने चांदी के सिक्के हैं और मूर्तियां हैं उनकी खरीदी करना चाहता है तो न्यूनतम रेट क्या है और क्या कुछ रेट चल रहा है मार्केट में? न्यूनतम सिक्के के रेट 300 से स्टार्ट हो जाते हैं जी। उसके बाद फिर ग्राहक का जैसा बजट हो उस हिसाब से जी वो खरीद सकता है। और मूर्तियों का? मूर्तियां भी 700 से स्टार्ट हो जाती है। चांदी की मूर्तियां 700 से छोटी साइज की स्टार्ट हो जाती है, फिर 15,000-20,000 जितना बजट हो ग्राहक का उस हिसाब से ले सकते हैं जी। और भी आभूषणों में तेजी आई है क्या, मतलब सोने चांदी के सिक्के और मूर्तियों के अलावा भी? सभी भाव में तो तेज है, पिछले मुकाबले 10 दिन के मुकाबले भाव अभी थोड़े तेज है और आगे भी उम्मीद है कि भाव बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ग्राहक अभी से खरीदी कर रहे हैं।